वापस रूम में जा तो रहा, लेकिन उस चिपकली से कहूंगा क्या कि वापस क्यों आया? इसमें इतना सोचना क्या? बोल दूंगा कि मैं उसका प्लान समझ गया तो मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा, इसलिए वापस आ गया। लेकिन वो जादू चिपकली मुझे वापस आने देगी? इतनी आसानी से तो नहीं। मुझे देखते ही उसकी दिमागी पूछ खड़ी हो जाएगी और वो जरूर कुछ ऐसा कहेगी या करेगी जिससे अभिषेक रिटर्न्स फेल हो जाए। मेरे घर में आके वो मुझे मेरे रूम से निकालना चाहती, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी किसी बात में नहीं फंसने वाला। इस चिपकली को ना झाड़ू मार मार के घर से निकालूंगा मैं। चिपकली कितनी बार कहे तुमसे, चक्कर दीवार पर चिपको, मुझसे क्यों चिपकती रहती हो तुम? मैं चिप चिप चिपक नहीं रही थी वो। अब मुझे दिखे नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं कहाँ बोल रही थी? आप बोल रहे थे, मैं तो प्रज्ञा हूँ ना। मोर के पंख लगा लेने से कोई कौवा मोर नहीं बन जाता। उसी तरह प्रज्ञा का चश्मा पहन लेने से तुम प्रज्ञा नहीं बन जाओगी। चश्मा पहन लिया, साफ साफ नहीं दिखा कि ठोक दी? चश्मे से ही तो साफ नजर आ रहा था कि कॉकरोच नहीं है, तितली है। वैसे ही उसी से साफ नजर आया कि आपके कमरे में सांप है। ओ, मुझे पता था तुम कोई नई कहानी बनाओगी। मुझे कमरे से बाहर निकालने के लिए कहानी बना रही हो ना, लेकिन तुम्हारा ये ट्रिक नहीं चलने वाला। ओके, ये कोई ट्रिक नहीं। मुझे पता था तुम यही बोलोगी, लेकिन साथ तुम्हारे पीछे नहीं, साथ तुम्हारे आगे खड़ा है। चिपक गली सामने सड़ जाओ, वरना ये सांप तुम्हें खा जाएगा। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और साफ नहीं होता तो पागलों की तरह भाग के क्यों आती? ये तुम एक्टिंग कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं। मुझे डराने के लिए चूहा बोली थी, कॉकरोच सांप एनाकोंडा तो नहीं था? है? मेरे घर को चिड़ियाघर बना लिया तुमने। अरे लेकिन आपके कमरे में सांप है तो क्या बोलूं मैं? सच में सांप? हाँ। ये वाला? हाँ यही वाला। फन वाला? हाँ। फन करते फन वाला सांप है। हटो, तुम्हारे से अच्छा है कि मैं सांप के साथ रहूं। कम से कम एक कोने में तो बैठा रहेगा। अरे बैठा नहीं रहेगा, काट लेगा आपको। हाँ ठीक है, काट ही लेगा, चिपकेगा तो नहीं ना। चिपकने से प्रॉब्लम है, डसने से नहीं। हटो तुम सामने से। आप प्लीज मेरी बात मानिए ना, आपके कमरे में सांप है। ठीक है रहने दो, सांप है ना, मैं कोई सांप आपसे डरता नहीं। अब दिखाता हूँ मर्दानगी क्या चीज होती है। अरे ये वक्त नहीं है मर्दानगी। यही वक्त है। अच्छा मैं मानती हूँ ना, आप सबसे बहादुर मर्द है, बस इस वक्त आप उस कमरे में मत जाइए। चलो मान लिया, अंदर सांप है। सांप ही तो है ना, बिल में रहेगा, बिल देगा थोड़ी, जाकर देख लेगा तो सांप मेरा क्या उखाड़ लेगा। मर्द यार प्लीज, आप हर बात मजाक क्यों लगती है? ये जो तुम षड्यंत्र रच रही हो ना, ये जो तुम खेल खेल रही हो ना, ये जो तुम शकुनी बनी हो ना, इसे मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ कमरे में। प्लीज प्लीज, आप क्यों ऐसा कर दे, मेरी बात मान लीजिए ना। आपको मैं मना कर रही हूँ तो उस कमरे में जाना जरूरी है क्या? सांप है ना, पाप तो नहीं है, देख लेता हूँ कि सांप है भी या नहीं। अगर कोई आपसे बोलेगा सड़क में गड्ढा है, तो आप गिरकर चेक करेंगे वो सच बोल रहा है या नहीं? खाना खाकर चेक करेंगे उसमें जहर है या नहीं? क्या कमाल की स्टोरी बनाई है तुमने, हैं? एक नई कहानी लिख लो जिसमें मुझे हीरो बना लो,
खुद विलन बन जाओ, बंगले पे बुलाओ, मजे करेंगे। प्लीज मेरी बात मानिए, उस कमरे में वाकई सांप है। ठीक है ना, तो होने दो। अब तुम देखना, जैसे मैं कमरे के अंदर जाऊंगा ना, तो जैसे तुम भागती हुई आई, उसी तरह सांप भागता हुआ, उड़ता हुआ, फ्लाइंग स्नेक की तरह नीचे आएगा, और उस सांप को देखकर प्लीज तुम इस घर से भाग जाना। ओके, आप नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। अरे कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। अच्छा, अपना बल दिखाओ। अब मैं अपना बल दिखाऊं? नहीं, सुनिए, रुक जाइए, सांप है। अरे सांप है, आप मेरी बात सुनिए। सुनिए, दरवाजा खोलिए प्लीज, मैं सच बोल रही हूँ। क्या कह रही थी वो चिपकली? कि यहाँ सांप है। मैंने कॉकरोच कहा तो सांप बोल रही, मतलब कल मैं बोलूंगा कि रूम में चूहा है तो वो बोलेगी रूम में शेर है। मुझसे दो कदम आगे। अच्छा, मैंने उस झूठी की बात नहीं मानी। सांप क्या, यहाँ पर तो एक मच्छर भी नहीं दिख रहा। सुनिए, अंदर अंदर सांप है, प्लीज मेरी बात सुनिए। सब ड्रामा है इसका। दरवाजा खोलने को कह रही है ताकि ये अंदर आ जाए। सोच रही होगी ना, मैंने अंदर से लॉक कर लिया तो अब इसे बाहर सोना पड़ेगा। अच्छा, बाहर ही रहे। आज रूम से बाहर है, कल घर से बाहर होगी। यस। आज मैं अपने रूम में और अपने बेड पर आराम से सोऊंगा। आज अपना रूम कब्जे में लिया है, कल पूरा घर लूंगा और इसे ऐसे ही बेवकूफ बना के घर से निकाल दूंगा। क्या करूं, आज बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आएगी। बस अब इस नींद की आदत डाल ले और वो चिपकली बाहर रहने की आदत डालेगी। हो गया, बस आज रात उसका वेकेशन पूरा, छुट्टियां खत्म, गो होम। हो गया मुन्नी, भाई के साथ साथ मुझे रुको, हमारी भी नींद खराब करे। भाई डोंट वरी, हम इसे ले जाएंगे। ये मैं इसलिए नहीं चिल्ला रही क्योंकि मुझे अंदर जाना, मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि वो अंदर है, उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। और तुम मुन्नी, अंदर से दरवाजा शरीफ लोग बंद करके सोते, तुम्हारी तरह नहीं ये दरवाजा खोल के सोते। और उन्होंने दरवाजा इसलिए बंद किया होगा ताकि तुम अंदर आकर उन्हें डिस्टर्ब मत करो, लेकिन नहीं, तुमने तो हमें, हम सबको यहाँ पर डिस्टर्ब करने की सोची हुई है। नहीं, मैं चिल्ला रही हूँ कि वो अंदर है, मैं क्या करूँ, मैं उन्हें अंदर अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ। तो आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, अंदर सांप है। मैं नींद में तो नहीं हूँ, ये क्या बोल रही है, कमरे के अंदर सांप? ओए, तूने फिर वही बात शुरू कर दी, ये कोई तेरा गांव नहीं है।
यह साहब भी छुछल के कमरे में आ जाए। आप मेरी बात कहीं की नहीं कर रही, मैंने खुद देखा है अंदर एक सांप है। क्या कहा तुमने, अंदर सांप है? शेल्टर पे फोन करना होगा। इंदू दादी आपको फोन कर, फोन दीदी के कमरे में, प्लीज प्लीज मंगवाइए, बिठा लीजिए, जल्दी जल्दी फोन लगाइए। भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, घबराइएगा मत, हम सब बाहर खड़े हैं, ओके? भाभी क्यों नहीं आ रही, इतनी देर हो गई, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी तुम प्लीज घबराना मत, हम है यहीं पर, और एक काम करना, एक जगह कोने में बैठ जाना, सब कुछ ठीक आएगा। नहीं, वो सो रही थी, मैं झुक से लेकर आई थी, लेकिन अभी उसका क्या हो रहा होगा? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोन कर रही, तेरे पास नंबर है? इंटरनेट पे ढूंढ रही। इंटरनेट पे? लेकिन तू तो देहाता है ना, तुझे इंटरनेट चलाना कहाँ आता है? वो मैंने सीख लिया। किससे सीख लिया? आप ये सब बाद में पूछ सकती ना, अभी नंबर ढूंढना ज्यादा जरूरी है। मिल गया मिल गया। हेलो, एनिमल रेस्क्यू डिपार्टमेंट। हेलो, मैं मेहरा मेंशन से बोल रही हूँ, 13th रोड जुहू। हमारे घर में ना सांप घुसा है, और वो एक कमरे में है जहाँ मेरे पति है, और कमरा लॉक्ड है। प्लीज जल्दी से किसी को भेज दीजिए, प्लीज। मैडम पहले पूछ तो लीजिए कि कौन बात कर रहा है। मैंने किसी का नाम पूछने के लिए नहीं फोन किया है, यहाँ अर्जेंट है, आप किसी को भेजेंगे या नहीं? मैडम नहीं भेज सकता, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ, ना खुद आ सकता हूँ ना किसी और को भेज सकता हूँ। तो वहाँ कोई सीनियर ऑफिशियल होगा, आप मेरी बात कराइए किसी से। मैडम अभी किसी से बात नहीं हो सकती, छुट्टी हो गई, सब घर चले गए। क्या बोल रहे हैं आप, मतलब इस वक्त कोई भी नहीं है ड्यूटी पे? मैं हूँ ना मैडम। मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसे आप यहाँ भेज सके? देखिए मैडम जी, इस समय आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या क्या हुआ मुन्नी? मिस्टर स्नेक्स, अब क्यों मेरे पीछे पड़े? अब जाइए ना अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाता हूं, जाओ। ओके, क्या करूं, कैसे हटाओ इस सांप को सामने से? कहां फंस गया यार, ये सांप आया कहां से? मुझे उस चिपकली की बात मान लेनी चाहिए थी, वो सच बोल रही थी कि अंदर सांप है। क्या यार, क्या किस्मत है मेरी। लेकिन आप क्या करो, अब वो तो वहां बाहर है विद फैमिली, और मैं यहाँ विद मिस्टर स्नेक्स, वो वहां से, और मैं यहाँ विद मिस्टर स्नेक, क्या करो क्या करो, कैसे इसे भगाऊं? हाँ, मैं गाना गा सकता हूँ, फिल्मों में देखा है मैंने कैसे ये सपेरे की धुन पे नाचते हैं, हो सकता है मेरी किसी धुन पे ये नाचने लगे और मैं इसे बाहर भेज दूं। मिस्टर स्नेक्स, आपको पता है कि आप एक रॉकस्टार के घर आए हैं ना, गाना सुनना है आपको, करेक्ट? मिस्टर स्नेक्स, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा गाना पेश करता हूँ, अर्ज है, चलेगा?
अरसे मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार रे होन बजाए बांसुरी। कुछ सुनाई दिया क्या? हाँ, अभी गाना गा रहा है। अभी गाना क्यों गा रहा है? अरे गाना क्यों गा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ना वो सांप को भगाने के लिए गाना गा रहा है। ये हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि कमरे के अंदर सांप है। शायद ऐसा ही होगा कि वो सांप को भगाने के लिए गाना गा रहा होगा। अभी अभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तो देखो तुम जो गाना गा रहे थे ना वो गाना मत गाओ। तुम उससे सांप नहीं जाएगा। मैं बताती हूँ कौन सा गाना गाना है। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। नहीं अच्छा ये गाना नहीं वो जो दूसरा वाला गाना था ना। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू। आप हटिए इधर। दिमाग खराब हो गया आपका? अंदर भाई है आप नहीं है जो ये सारे गाने गाएंगे अंदर। चुप रहो बात करने दो मुझे। तो भाई आप ना ज्यादा आवाज मत करिएगा क्योंकि मैंने पढ़ा था ना अपने वो मैगजीन में पढ़ा था ना अगर आप आवाज करेंगे ना तो सांप का ध्यान आपके ऊपर जाएगा। आप तो सुन नहीं पाता ना। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सांप के कान होते क्या? सांप सुन सकता है क्या? अरे वाइब्रेशन वाइब्रेशन होती है ताऊ जी। आप आपको पता नहीं अभी ने कुछ जवाब दिया अंदर से। क्या हुआ? कुछ कुछ बोला उन्होंने? कोई आवाज आई? कुछ बात हुई? नहीं नहीं कुछ बात नहीं हुई। वो तो अंदर से गाने गा रहा है। गाना? हाँ वो मतलब वो ठीक है। वो ठीक है पर वो कितने डरे हुए होंगे घबराए हुए होंगे। अब क्या क्या करें? ये दरवाजा खोलना बहुत जरूरी है। कुछ तो हमें सोचना होगा अजय। कुछ तो करो। दरवाजा तो बंद है ना। तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। तब मैं जल्दी करो सिमोनिका। तुम अभी का डेथ सीन ही तो देखने आई हो वो कैसे मिस कर सकती हो? जो करने आई थी वो तो मैंने कर ही दिया। बस अब तमाशा ही तो देखना है। So I have to go in and see it with my own eyes. Life में अपना मकसद पूरा होना ही तो आपकी सबसे बड़ी खुशी होती है। आज मेरा वो मकसद भी पूरा होगा और मेरा बदला भी। मैडम जी आप अभी और इस वक्त? हाँ ये एक इम्पोर्टेंट फाइल है मुझे अभी सर को देनी थी तो इसलिए मैं आ गई। अभी सर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है। वो एक कमरे में लॉक हो गए हैं और वहाँ पर एक सांप भी है। क्या? माई गॉड अभी सर रूम में और रूम लॉक है और उसमें सांप है तो के साथ तो कुछ भी हो सकता है जी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काम करेंगे प्लीज। पानी चाहिए मुझे। थोड़ा पानी पिला दीजिए। जी मैं अभी लेकर आया। वाह जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब यहाँ चीखना चिल्लाना होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ रोना धोना होगा। आई थिंक अब तक तो सांप ने अभिषेक को डस लिया होगा। मैंने उसकी मौत का इतना वेट किया है वो सांप थोड़ी ना करेगा। उसे तो भेजा ही इसलिए गया है कि वो उसे मार डाले। चलो सिमोनिका ना स्माइल करने की एक्टिंग बंद करो और थोड़ा रोने धोने की एक्टिंग करो क्योंकि अब जब अभिषेक की मौत का मातम होगा तो रोने की एक्टिंग तो काम आएगी। कोई आवाज क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं अंदर अंदर क्या हुआ होगा। वो बहुत घबराए हुए होंगे। कुछ बोल ही नहीं रहा वो। अब एक बार ट्राई कर। अभी तुम ठीक हो ना? कुछ तो बोलो प्लीज। हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सब ठीक है ना? अभी बोल ना। मैं आपने कहीं सच में काट लिया हो? तनु तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा मत बोलो। कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। वो ठीक है। मैं कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें। मुझे अंदर जाना होगा। ये मुन्नी तो बिल्कुल प्रज्ञा की तरह कर रही है। जिस तरह प्रज्ञा अभी को मुसीबत में नहीं देख पाती थी उसी तरह ये भी नहीं देख पा रही है। देखो फालतू में नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को भी फिक्र। अंदर कैसे चली जाओगी तुम? क्या कर लोगी यहाँ? अपने आप को सुपर वूमन समझ के रखा है? तो दरवाजा तोड़कर जाओगी या बालकनी से उड़कर जाओगी तुम? मुझे नहीं पता लेकिन मुझे अभी तुम्हें ना कुछ बोलना है ना समझाना है। तुम्हें जो सोचना है सोचो लेकिन मैं यहाँ चुपचाप नहीं खड़ी रह सकती। शट अप ओके। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं और वो भी हम लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। दासी आप इसके झांसे में बिल्कुल मत आना। मुन्नी है ये मुन्नी। आलिया देखो तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो तुम लेकिन बात मैं तुम्हें इस वक्त कुछ बोलना या समझाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है और मैं कुछ भी करके अंदर जाऊंगी और मैं उन्हें
पुत्र, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। कोशिश तो करनी पड़ेगी। संभल के ताऊ जी, प्लीज। क्या हुआ मैम? ठीक तो है सिमोनिका? वो तुम्हारे सर अंदर है और दरवाजा अंदर से लॉक है। अंदर अंदर सांप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप सांप ने सर को डस लिया हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ताऊ जी दरवाजा खोलेंगे और मैं अंदर जाऊंगी, उन्हें बचा लूंगी। ये लड़की तो पूरी अफलातून है, किसी से नहीं डरती। पति को बचाने के लिए कुछ भी कर लेगी। मुझे इसे रोकना होगा।